फिर दादाजी और इमली पुलिस सर के पास आते हैं। नमस्ते पुलिस सर, हमें बचा लो पुलिस सर, हमारा वीर कहीं चला गया है। हमने सारे फुर्सतगंज को ढूंढ लिया लेकिन कहीं पर भी हमारा वीर हमको नहीं मिल रहा है, हमारी मदद करें सर। दादाजी यह कहानी कब की है? पुलिस सर यह बात कल दोपहर की है। वीर अचानक घर से निकला और निकलने के तुरंत पीछे पीछे हम उसके पीछे गए, लेकिन वीर हमें कहीं पर नहीं मिला। हमें बहुत डर हो रहा है कि कहीं वीर को कुछ हो न जाए। दादाजी वीर की संपूर्ण बातें पुलिस सर को बता देते हैं। पुलिस सर प्लीज, पुलिस सर हमारी मदद को और हमारे वीर को हमारे पास ला दो, कोई भी जरूरत पड़े हमें जरूर बताना, कोई भी। अरे दादाजी घबराने की कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे और वीर को जल्द से जल्द ढूंढ कर आपके पास लेकर आएंगे। दादाजी हम अब चलते हैं और जल्द से जल्द वीर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर पुलिस सर घर से निकल कर वीर को ढूंढने चले जाते हैं। इधर दादाजी इमली भी घर से निकल कर ढूंढने चले जाते हैं। आज वीर जंगल में बैठा है, तभी उसके सामने एक बाबा जी आते हैं और वीर से कहते हैं, अरे बेटा मैं 4 दिन से भूखा हूँ और मुझे पानी भी जंगल में नहीं मिल रहा है, मुझे पानी लेकर आओ बेटा, मेरी मदद करो बेटा। बाबा जी आप परेशान मत हो बाबा जी, पहले आप यह बताओ कहाँ से आए हो और आपको जल और भोजन क्यों नहीं मिला बाबा जी, क्या आपने गांव में किसी से नहीं कहा? वीर को डर था कि यह चाल मैड मैक्स की ना हो, इस वजह से वीर बाबा जी से प्रश्न करता है। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं गांव में गया ही नहीं क्योंकि मुझे जंगल से निकल लाए, जल्दी करो बेटा। इतना कहकर बाबा जी जमीन पर गिर जाते हैं। वीर पास आता है, देखता है तो बाबा जी पूर्णतः मूर्छित होते हैं। वीर को सोचता है और फिर पानी लेने के लिए है। इस तरीके से वीर पानी लेने जा रहा था, तभी दादाजी उठते हैं और वीर में जादू शक्ति का प्रहार कर वीर को बेहोश कर देते हैं और वीर को मार कर वहां से चले जाते हैं। आओ आए गणेश, वीर तो मर गया। रामू बेटे सावधान रहो, यह मैड मैक्स का इलाका है, यहाँ पर बहुत ही भूतिया रोबोट घूमते रहते हैं, हमें सावधान रहना होगा। दादी जी परेशान मत हो, यह तो इलाका बहुत अच्छा लगता है, देखो कितना प्यारा घर है और कितने प्यारे प्यारे वृक्ष हैं, परंतु मैं आपके साथी हूँ, आप निश्चिंत रहें। अरे बेटे यह बात मत भूलना कि अच्छे में ही बुरा छिपा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे पता है कि आपने बड़ी ही बारीकी से इस वीडियो को देखा। यदि आपको मोरल कार्टून देखनी है तो भैया थोड़ा इशू हमको मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया मोरल कार्टून बनाने को दिखाने वाले हैं जो कि आप देख रहे हैं। यह काइन मास्टर से बनाई गई है, ये काइन मास्टर से, ठीक है।